मेरा क्वेश्चन है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो ये सब संभव हो पाता? देखिए, अब दो बातें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर होगा। अरुण जी, पवन भारद्वाज पीटीआई से। 695 जो टाइटल है, किसके कितना मुश्किल था ये चीज, कैसे जॉइन में आया, डायरेक्टर से आपसे जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आई गिव फुल क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये टाइटल सोचा है। इट्स अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। सर, चावला जी ने अभी बताया कि अयोध्या में जब आप शूट कर रहे थे तभी लोग आकर आपको ही पूछना शुरू कर दिए थे, आगे तो बता रहे थे। तो अयोध्या में आपकी काफी सारी मेमोरीज रहेंगे पहले जो शूट की, और अब जब आप शूट कर रहे थे वहां पे, अयोध्या बदल चुका है, सब लोग यही कह रहे हैं। कितना बदला है, क्या बदलाव आपको नजर आया, आपसे जानना चाहिए। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है। अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अगर अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है, अयोध्या नहीं बदलता कभी, भावना नहीं बदलती उसकी। वो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पूज्य था आज भी हमारे लिए उतना ही पूज्य है। देखिए, जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है, बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर भी, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना मुझे, पर मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। सर अरुण जी, अगर ये हर चीज को राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाता है, एक साफ सुथरी मूवी है, राम के ऊपर फिल्म है, लेकिन आपको लगता है कि आज से इसकी राजनीति चालू हो जाएगी, लोग विपक्ष वाले कुछ बोलना शुरू कर देंगे? सर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, मैंने अभी तो बताया। बोलना उनका काम है, जो भी विपक्ष में होगा वो बोलेगा। भैया ये बात विपक्ष कह रहा है ना, तो विपक्ष से पूछो ना जाकर, अरुण गोविल से क्यों पूछ रहे हो, अरुण गोविल विपक्ष में नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर मैं अपना फंडा क्लियर कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी इस फिल्म को बनाने का मेरा पर्सनल में बात कर रहा हूँ, ये उद्देश्य है कि जिन योद्धाओं के कारण आदि ये मंदिर स्वरूप ले रहा है, संभव हो पाया है, हम संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये आस्था का केंद्र जो आज अपना स्वरूप ले रहा है, जो भी लोग वजह हैं उसके पीछे, जिनके कारण भी ये मंदिर आज संभव हो पाया है बनना, उनको हमारी फिल्म से लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा ये आध्यात्मिक मानना है और मेरा ये कर्तव्य भी है। इस विधा के माध्यम से कई प्रकार की अजीब सी फिल्में आपके हमारे बच्चों के साथ बैठ के हम देख नहीं सकते, ऐसी फिल्में भी तो परोस रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं करते यार, अभी अभी कही है एक दो फिल्में। सर अभी मैं तो मेरे परिवार के साथ नहीं देख पाया उन फिल्मों को, बावजूद उसके वो बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम सब
हम उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं ये संकल्प किया हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए हमारी फिल्म के माध्यम से। हम अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कार्य को किए हैं। समय के साथ सब बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले रोहिंग्या घुसपैठ NRC पे भी मेरा काम चल रहा है। अभी आपने रिलीज तैयारी पूरी बन चुकी है, तो सोने पे सुहागा कहेंगे आपने इसी टाइम में क्यों रिलीज किया, इससे पहले कौन? 3 साल पहले की मेरी कल्पना है, आपको यह वातावरण आज दिख रहा है। मैं 2026 की भी कल्पना अभी से करके बता दिया हूँ। लेकिन सुर्खियों में तो आज ही आई है, पहली बार देखा। समय होता है ना, हर चीज का समय लगता है, कोई अच्छे काम को करने में, है ना, एक बड़े काम को करने में। ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिलने में मुझे 1.5-2 साल लग गए भाई साहब, उसके बाद तो फिर साल भर में लगभग सबके सहयोग से आज हम इस काम को। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत समय लगा पहुँचने में भाई। रियल लोकेशन क्या क्या लिया आपने? अयोध्या में लगभग सभी जगह जहाँ जहाँ तक नहीं जा पाए थे आज तक लोग, दशरथ महल तक हम लोग गए, वहाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत, हम लोग जब थिएटर में देखने जाएंगे बहुत ही प्यारा भजन अरुण गोविंद साहब के ऊपर फिल्माया है वो हमने, बिल्कुल जन्मभूमि और वो हनुमानगढ़ी के बाजू में ही दशरथ महल में उसको फिल्माया है। लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने अयोध्या में शूटिंग की। नमस्कार, पहली बात तो श्याम चावला जी और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने हमें इसमें काम करने का सौभाग्य मिला है आज इनके टीम की वजह से। और ऐसे महान जो कलाकार हैं, खास करके गोविंद साहब, अरुण गोविंद जी हैं, इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है। आज रामायण का माहौल बन गया है, ज़बरदस्त माहौल बन रहा है और उस वक्त ये फिल्म आ रही है, कितनी बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले बता देता हूँ। मेरे चेहरे की वजह से बस इन लोग बुला लेते हैं, हम काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, न्याय देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इन लोग ही बता सकेंगे हमने अपने रोल को न्याय दिया है या नहीं दिया है, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, जितना भी हम लोग क्या है, एक्चुअली में जब रथ यात्रा का उस समय का जो चित्रण है, क्योंकि उस समय मोदी जी नेपथ्य में रहकर अपना कार्य को करते थे, तो उसी प्रकार से ना जितना उनका उस समय का योगदान दिखता है स्क्रीन पे, नेपथ्य में तो तब भी थे, पूरी प्लानिंग उनकी थी ऐसा बताते हैं जानकार। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा कार सेवा से। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी से लास्ट क्वेश्चन जब मैं किया 16वीं सेंचुरी में, वो हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार था, पिक्चर बनाएगा ऑब्वियसली, इतने 500 साल के बाद जो बयान देना हुआ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल आप लोगों ने रखा, मैं वही सोचा था 695 क्या है, क्या ये मुगल के 500 रूल और 200 रूल अंग्रेज के मिला के कुछ रखा है। बट फिल्म के माध्यम से सर, क्योंकि फिल्म का नाम आपने 6 तारीख से किया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन को दिखाना, क्या आपने भी राइटर और डायरेक्टर से पूछी कि जब आपने फिल्म का नाम ऐसे रखा है तो क्या उसे सिर्फ एक कार्मिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म के अंदर, इवेंट्स ऑफ 67? सिर्फ इवेंट्स से एक अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट या सेंसिटिव फिल्म नहीं बनती, उसको करने के लिए दिल लगाना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है, उसे अपनी आत्मा से बनाना पड़ता है। स्पेशली इस तरह का सब्जेक्ट जो हमारे हमसे इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है, हमारी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट, तो इसलिए सिर्फ कर्म काफ़ी नहीं है इसमें, इसमें आपको हृदय लगाना पड़ेगा और जो हमारे राइटर ने डायरेक्टर्स ने लगाया है इसमें। सबसे पहली बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा ही है। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है, ये तो संयोग है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है वो बहुत ही
लगन से, संकल्प से और एज ए सेंडेड वेरी वेल के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है, एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, इतिहास के पन्ने वो पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं दिखाया बाप कि बाबर के जमाने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा, किन किन लोगों की ने अपनी आहुति दी बगैर ये सोचे हुए कि इनका क्या होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मिस्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना है मूवी के बारे में, आपके किरदार को लेकर। जय श्री राम। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम राम, राम राम भाई, राम राम काका, राम राम बहिना, राम राम चाची, राम। ये मंदिर थोड़ी बन रहा है, भारतीय संस्कृति का आधार तैयार हो रहा है, उसका उद्गम उद्गार हो रहा है। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है, वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा, या औरंगजेब के जमाना जब देखेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है, 695, 92 से लेकर अभी तक, ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना, लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार हैं, वो हैं इस फिल्म में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने, अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने। सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा और इतना तो इसलिए